तो एलिमिनेशन चेम्बर खत्म हो जाता है और जैसा सबको लगा था रिया रिप्ली ही जीतती है। क्या रिएक्शन था क्राउड का, तगड़ी रिसेप्शन थी रिया रिप्ली के लिए, पूरा क्राउड उनके बिहाइंड था पूरे के पूरे मैच में। और आखिरकार क्राउड जाग गया था इस वाले मैच के लिए, क्योंकि एलिमिनेशन चेम्बर में तो थोड़ा सा क्राउड ऑफ बीट हो गया था मेंस वाले में, बाकी इस वाले क्राउड इसके लिए इंतजार कर रहा था शायद क्राउड। बहुत तगड़ा रिएक्शन, उसके बाद तगड़ा मैच रिया रिप्ली और नाया जैक्स का। हाँ जी हाँ, नाया जैक्स और रिया रिप्ली का अच्छा मैच था ये, इसको आप बुरा मैच नहीं कह सकते। शुरुआत में रिया रिप्ली होती है मैच में ऊपर, उसके बाद आती है नाया जैक्स, और नाया जैक्स ये टेबल वाला स्पॉट बहुत खतरनाक था। उसके बाद पहली पर्सन बनती है जो किक आउट करती है नाया जैक्स के फिनिशर पे, उसके बाद दोबारा से के लिए फिनिशर के लिए जाती है नाया जैक्स, मगर रिया रिप्ली यहाँ पे काउंटर कर देती है और सुपर प्लेक्स देती है नाया जैक्स को, केक और फिर रिपटाई, और पूरा का पूरा फैमिली कंट्री क्राउड सब खुश। रिया रिप्ली रिटेन कर लेती है अपनी वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, और अब वो रेसलमेनिया में फेस करेगी बेकी लिंच को फैमिली के साथ। फोटो बहुत बढ़िया मोमेंट था ये। बाकी नेक्स्ट कब होता है ऑस्ट्रेलिया।